तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर कहाँ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यूनिवर्स का सेंटर हर जगह है, अगर एक तरीके से कहे सीधा सीधा तो। क्योंकि यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुआ है बिग बैंग थ्योरी से, जो कि अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो में बेसिकली ये घटना घटा था। ठीक है, बिग बैंग कहने का मतलब एक बड़ा सा धमाका, और वो अब तक जो है तब से लेके एक्सपैंड कर रहा है। तो इसीलिए जो सेंटर होता है एक्सपेंशन का, वो हर जगह है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, किधर हैं, किसी भी कोना में रहें, उसके यूनिवर्स का सेंटर होगा। और चूँकि ये एक्सपेंड कर रहा है, तो आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए, आपको जो है सो हमेशा लगेगा कि आपसे चीज़ जो है सो दूर जा रहा है। ठीक है, आपसे कोई भी चीज़ जो है सो दूर जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो आप ही सेंटर हैं, आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ आप यहाँ पे हैं तो इधर भी दूर जाएगा, इधर भी दूर जाएगा, तो एक तरीके से आपको सब चीज़ लगेगा कि आप ही सेंटर में हैं, आप ही के चारों तरफ एक्सपेंड कर रहा है। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका जो है बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि कोई भी चीज़ को आप एक बलून ले लीजिए, मतलब बलून नहीं, रबर ले लीजिए। ठीक है, और रबर को स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, और किसी पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, किसी एक पॉइंट पे, तो आपको नज़र आएगा कि उस पॉइंट से इस साइड और इस साइड दोनों अलग हो रहा है, तो एक तरीके से दोनों तरफ जा रहा है, तो एक तरीके से उसको भी सेंटर मान सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है यूनिवर्स का हर जगह एक सेंटर होता है, मतलब हर एक पॉइंट उसका एक सेंटर ही होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में, अगर समझ में आ गया इस वीडियो को लाइक कर दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।